दोस्तों, अगर आप भी यूज करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, तो अब आपके लिए एक बहुत ही बुरा खबर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग डिटेल में बात करते हैं। विथ प्रूफ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या बुरा बात होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, एक एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से यहाँ पे मैसेज आता है कल। तो यहाँ पे कल मैसेज आया था, यहाँ पे उससे पहले एक और मैसेज आया था 9 जून को। तो यहाँ पे 9 जून को आपको बताया गया था कि 10 जून से आपका जो इंटरेस्ट हुआ करता था वो आपका 3% से घटाकर 2.5% कर दिया जा रहा है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो कल यहाँ पे मैसेज आपका आया है हुआ है, यहाँ पे आपको पैसा रखने में और निकालने में दोनों में ही चार्ज लगने वाला है। तो अगर आपका पैसा अभी है यहाँ, तो यहाँ पे आप इसको निकाल दें, नहीं तो आपको बेमतलब का चार्ज लग सकता है कल से। तो क्या है दोस्तों, पूरा बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है, जो भी नियम है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप 10,000 से महीने में 10,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि फ्री डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप 500 500 करके कीजिए या फिर एक ही बार में 10,000 कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टोटल जोड़ के अगर आपका 10,000 क्रॉस करेगा, तो उसके आगे जितना भी आप जमा करेंगे उसका चार्ज लिया जाएगा। तो वो चार्ज है दोस्तों 10,000 के बाद से लेकर 50,000 तक आपका 0.5%, और 50,000 से ज़्यादा का अगर आप जमा करते हैं तब आपको 0.75% यहाँ पे चार्ज लगेगा। ये तो हो गया दोस्तों जमा करने के लिए चार्ज। लेकिन अगर आप निकासी करते हैं या विड्रॉ करते हैं, तब उस पर भी चार्ज लगने वाला है। यहाँ पे जो फ्री लिमिट है दोस्तों, वो महीना का आपको घटा दिया गया है और उसको 5,000 रुपये कर दिया गया है। यानी 5,000 तक आप महीने में जितना रुपए चाहो निकाल सकते हो, मतलब एक बार में आप निकालना चाहो या फिर उसको 500 200 करके 5,000 अगर टोटल महीने का हो जाता है, तो उसके बाद से आपका चार्ज लगेगा। और वो 5,000 से ज़्यादा अगर आप निकालोगे तो उस पर आपको 0.65 चार्ज लगेगा। यानी अगर आप 1,000 रुपये यहाँ पे निकालते हो 5,000 कंप्लीट होने के बाद, उसके ऊपर से 1,000 रुपये और निकालते हो, तब आपको 6.5 रुपये बेमतलब का यहाँ पे चार्ज ले लिया जाएगा। तो उससे अच्छा है दोस्तों कि यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर लें। अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है पेमेंट बैंक में, तब आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर लें और किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर जाएं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हो इंटरेस्ट भी आपका 2.5% ही है, और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा लिमिट दे दिया जा रहा है, जिसके बाद से आपको डिपॉजिट करने में भी चार्ज है, विड्रॉ करने में भी चार्ज है। यानी अगर आप विड्रॉ बाद में अगर आपका ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट रहता है, तब आपको विड्रॉ में बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप दूसरे बैंक की तरफ शिफ्ट ही कर जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यहाँ पे आप लाइक ज़रूर कर लेना।